कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता समानता व बंधुता विरोधी है और वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। कल को तुम कहोगे कि डॉक्टर अम्बेडकर से हमारी भावना आहत हो गई तो तुम उन्हें बैन कर दोगे। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी जिसे भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया है, अब अगर यही हुआ तो हम यहाँ से ये भी घोषणा करते हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जितने डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं इन्हें विश्वविद्यालयों की चार दीवारियों पर खड़े होकर के हम उनका पाठ करेंगे और देखते हैं कि किसकी धार्मिक भावना आहत होती है। विश्वविद्यालय में खड़े होकर अगर हम ये नहीं बोल पाएंगे तो फिर बाकी जगहों पर तो बुलडोजर चला दोगे तुम। इस देश में जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर हत्या हुई, दलितों की कोई धार्मिक भावना नहीं, कोई उनकी भावना ही नहीं है। दिल्ली पुलिस इतनी शानदार है, उसको पता है कि उसके आका कौन है। जो तड़ी पार खुद रहा हो उसे पता है कि कैसे जेल में डाला जाता है। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की किसी बात से आप असहमत होते तो आप उससे संवाद करते। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में तुम राम मंदिर बनाने के नाम पर सेमिनार कर सकते हो, अखंड राष्ट्र बनाने के नाम पर तुम सेमिनार कर सकते हो। तो सवाल मेरा है कि अगर किसी की फेसबुक पोस्ट से तुम असहमत हो तो तुम उसका सवाल जवाब करने के लिए एक सेमिनार रखते। एक बहुत मशहूर सा वाक्या हुआ कि एक पिता को जब मार दिया कुछ जालिमों ने तो उसकी बच्ची ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा कि मेरे पिता को जालिमों ने क्यों मारा, उस मुल्क के निजाम ने क्यों मारा। तो वहां पर उसकी माँ ने बताया क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक कविता लिखी थी जो इस मुल्क के निजाम को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने तुम्हारे पिता की हत्या करवा दी। उस बच्ची ने पलट कर ये पूछा कि अगर मेरे पिता की कविता उस निजाम को पसंद नहीं आई थी तो वो दूसरी कविता लिख देता, वो तीसरी कविता लिख देता। हमारी बातें अगर तुम्हें नागवार गुजरती हैं तो तुम हमारी बातों पर बहस करते, लेकिन मेरा आरोप है इस जगह से खड़े होकर के विश्वविद्यालयों को। अभी दो दिन पहले होम मिनिस्टर इस देश का आकर के एक नज़ीर देता है, पता नहीं वो विश्वविद्यालय कितनी बार गए होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में आकर के सीख दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय विचारधाराओं के अखाड़े नहीं बनने चाहिए, विचारधाराओं पर संवाद होना चाहिए। मेरा सवाल है इस देश को एक विचारधारा के रंग में रंगने वाले कौन है। इस देश में एक ही व्यक्ति एक ही विचार है जिसकी धार्मिक भावनाएं हैं। इस देश में क्या एक ही विचार रहेगा? आपसे अलग कोई राय रखता है तो आप उसको विश्वविद्यालय से भी बाहर कर देंगे तो बाकी जगह पे क्या होगा? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अगर अभिधा लक्षणा व्यंजना में बोलते हैं तो मेरा सवाल है कि न तुम्हें व्यंजना समझ में आ रही है न लक्षणा समझ में आ रही है, तुम उन्हें सीधे जेल में डाल रहे हो। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत दलित समाज से आते हैं, उन्होंने बाकायदे किताब का नाम लेकर कोट किया टीवी डिबेट में। ये कौन लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हैं और उनको संरक्षण किसका प्राप्त है कि वो विश्वविद्यालय में घुस करके एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को गोली मारो और जूता मारो का नारा देंगे और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगी? ये मेरा सवाल है उनसे। प्रोफेसर रविकांत लिखित में शिकायत दिए और उसके बाद दो दिन बाद उनके ऊपर हमला हुआ। क्या इन विश्वविद्यालयों को आप ऐसा बना देना चाहते हैं? इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर मारे जाएंगे। अब मेरा सवाल दूसरा है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मेरा सवाल यह है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं उनसे पूछता हूं 14 अप्रैल को इस देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने जाता है तो मेरा सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर से तुम्हारी धार्मिक भावना आहत होने लगी क्या? मैं जो कह रहा हूँ 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखा कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता समानता व बंधुता विरोधी है और वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। कल को तुम कहोगे कि डॉक्टर अम्बेडकर से हमारी भावना आहत हो गई तो तुम उन्हें बैन कर दोगे। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी जिसे भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया है, अब अगर यही हुआ तो हम यहाँ से ये भी घोषणा करते हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जितने डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं इन्हें विश्वविद्यालयों की चार दीवारियों पर खड़े होकर के हम उनका पाठ करेंगे और देखते हैं कि किसकी धार्मिक भावना आहत होती है। हमारी धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं। इस देश में भगत सिंह घोर नास्तिक व्यक्ति थे, भगत सिंह हिंदुत्व के विरोध में थे,
भगत सिंह एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे। अगर मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं तो क्या मेरे धर्म में मेरी भावनाएं आहत नहीं होंगी तुम्हारी बातों से? इस देश में हर दिन किसी मस्जिद के सामने जाकर एक धर्म मुसलमानों के खिलाफ तुम मारो काटो के नारे लगा रहे हो, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही है? इस देश में बस्तर बकसवाह के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में, और यहाँ पर एक साल पूरा हो गया सिलगेर के जंगलों में, इस देश की सरकारों ने चार आदिवासियों को गोली मार दिया और संसद में खड़े होकर कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, आदिवासी लड़ रहे हैं, पुलिस जुल्म कर रही है, आदिवासियों की कोई धार्मिक भावना नहीं है। इस देश में जितेंद्र मेघवाल की मूछ रखने पर हत्या हुई, दलितों की कोई धार्मिक भावना नहीं, कोई उनकी भावना ही नहीं है, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इस देश में अभी उत्तराखंड में एक और ये सवाल मेरा हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से है, तुम कहते हो कि इस देश के 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है, ट्रिपल आप कहोगे बेरोजगारी है तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक है, आप कहोगे महंगाई है तो वो कहेंगे 370 हटा दिया, आप कहोगे शिक्षा बर्बाद हो रही है तो वो कहेंगे ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग मिलेगा, आप कहेंगे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो वो कहेंगे अभी अभी अयोध्या झाकी है, मथुरा काशी बाकी है। कुछ भी इस देश में किया जा रहा है केवल इसलिए कि रोज उन मुद्दों पर बहस ना हो जो इस देश को बनाने और बचाने वाले मुद्दे हैं। प्रोफेसर रतनलाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है और ये एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को अगर आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, कल्पना करिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत के कैंपस में घुसकर मार सकता है, कल को क्या करेगा? ये सवाल मेरा है और ये मेरा डर है। मैं इसीलिए सीधे केंद्र सरकार और आरएसएस पर एक आरोप लगाता हूँ। इस देश में क्या यही काम किया जाएगा कि एक ही विचारधारा ही पूरे देश की विचारधारा हो गई? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कबीर को पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो कबीर तो तुम्हारी रोज धार्मिक भावना आहत करते हैं, कल को तुम कबीर को सिलेबस से निकाल दोगे? तुम रविदास को कहाँ रखोगे? तुम तथागत बुद्ध को कहाँ रखोगे? पेरियार को कहाँ रखोगे? इसलिए इस देश में सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, हम इसका पूरा विरोध करते हैं, ये एक बड़ी घटना है। आरएसएस चाहता है कि इस देश को एक विचारधारा, वो कहते थे ना एक पार्टी एक नेता एक चुनाव एक एक मुद्दा हो, वैसे इस देश में एक ही विचारधारा हो, एक ही संगठन हो आरएसएस, बाकी किसी संगठन की कोई जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय में खड़े होकर अगर हम ये नहीं बोल पाएंगे तो फिर बाकी जगहों पर तो बुलडोजर चला दोगे तुम तो वहां कहीं कोई कानून नहीं है। जिन्होंने हमला किया, आखिरी बात तुमने कहा फेसबुक पर उनकी टिप्पणी गलत थी, तो उनको माँ बहन की गालियां देने वालों की टिप्पणियां क्या थी? रतनलाल के बेटे के खिलाफ जो इतना अभद्र भाषा में रोज ट्विटर हो रहा है, रोज लिखा जा रहा है, उससे क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है? इस देश में आरएसएस एक ऐसा ऑक्टोपस बन गया है जिसके हजार हाथ हैं, किसी को छोड़ दिया है कि जाओ धर्म संसद करो, गालियां दो मुसलमानों को, कोई धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। इस देश में दिल्ली में भगवा रंग का संविधान बना करके सेमिनार करके यहां पर कहा गया कि भारत का संविधान खराब है, हम भारत का भगवा संविधान लाएंगे, किसी की भावना आहत नहीं हुई। इस देश में यहाँ संविधान जलाया गया तब भी भावना आहत नहीं हुई। तो इस देश में मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, किसान मजदूरों की कोई भावना नहीं है। इस देश में भावना केवल उनकी है जिनकी सरकार है। और दिल्ली पुलिस इतनी शानदार है, उसको पता है कि उसके आका कौन है। जो तड़ी पार खुद रहा हो उसे पता है कि कैसे जेल में डाला जाता है, रात के अंधेरे में वहां जा करके तुम उनको पकड़ के ले जा रहे हो, घर वालों को कोई कम्युनिकेशन नहीं, पूरी रात पता नहीं कि प्रोफेसर रतनलाल कहाँ है। इसलिए मैं ये बात कहने आया हूँ साथियों कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इस मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है, इस मुल्क की साझा संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, इस देश में सामाजिक न्याय को बचाने की ये लड़ाई है। अगर प्रोफेसर रतनलाल को हम नहीं बचा पाए और उनके इस अपमान का बदला नहीं ले पाए, बदला मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी में, हम प्रतिरोध दर्ज करेंगे, हम भारत का संविधान लेकर चलेंगे। विश्वविद्यालयों को विचारधारा का अखाड़ा नहीं बनाना है लेकिन संवाद करना है। इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा पैगाम हमारा है कि हम अब खामोश रहने वाले नहीं है,
हम खामोश नहीं रहेंगे। इस देश में अगर अभी हम खामोश हो गए तो साथियों याद रखिएगा, बाद में शायद हमें बोलने का मौका ही ना मिले। इसलिए मुट्ठी बांध करके हम एकजुट होने का संकल्प लें और आगे जो भी यहाँ से रणनीति बनती है हम लगातार उस पूरी रणनीति में शामिल रहेंगे और अपने प्रोफेसर को, अपनी विचारधारा को, भारत के संविधान को बचाने की हर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे जो हमारे वक्त में लड़ना जरूरी है। क्योंकि इसी जगह पर हमने प्रोटेस्ट किया था प्रोफेसर हनी बाबू को, वो ओबीसी समाज से आते थे, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश करके नाम पर 2 साल से जेल में, कौन बचा पाया उनको? प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े 2 साल से जेल में हैं, उन्हें कौन बचा पाया? अगर हम अपने प्रोफेसर्स को नहीं बचा पाएंगे, अगर कल को उमर खालिद का अभी तक नहीं तय है, तो हमने मुसलमानों को इतना अपमानित कर दिया है कि वो तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। दिन रात दंगा, दिन रात टीवी पर जहर, और उसके बीच में हम कौन लोग हैं? हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, संविधान के लोग हैं। भगत सिंह और अंबेडकर को साथ लेकर, अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल को साथ लेकर, फूले पेरियार को साथ लेकर, भारत के संविधान को साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।